और सब लोग समझते हैं कि हम और हमारी कहानी की शुरुआत भी शायद नोडल से ही हुई थी। सबने कुछ कुछ लिखा चिट पे, तो एक चिट मेरे लिए भी आया था। हेलो गाइस, हेलो। आज मेरे साथ दिव्या आई है। बहुत इनवाइट करने के बाद मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी। मैं चाह रही थी कि ये आए मेरे चैनल पे। इंस्टाग्राम में तो हम दोनों को सबने देखा है। जो भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करता है, इसको फॉलो करता है, सबने हमारे पिक्स देखे होंगे। ऑलमोस्ट सारे पिक्स और सब लोग समझते हैं कि हम हम लोग लेस्बियंस हैं। नो, नॉट एट ऑल। हम बिल्कुल भी लेस्बियंस नहीं है। आज हम ये अनाउंस कर रहे हैं फाइनली, फाइनली। ओ माय गॉड। सो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स है, सोल सिस्टर्स है। सिस्टर्स है, सोलमेट्स है, एंड हम लोग की फ्रेंडशिप 10 साल से भी ज्यादा आई है। थिंक हम 8th स्टैंडर्ड में मिले थे स्कूल में। एंड आप लोग को दिख रहा होगा कि हम दोनों सेम दिखते हैं ऑलमोस्ट, और हम दोनों सिस्टर्स ही लगते हैं। एंड हम दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा 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 है। तो आज मकबैंग के साथ साथ आप लोग को हम दोनों की फ्रेंडशिप का कुछ स्टोरी भी बताएंगे। आज हम खाने वाले हैं चीजी चिकन पिज्जा, चिकन शॉर्मा, चिकन पैन फ्राइड नूडल्स, मलाई चाप रोल, तंदूरी मोमोज, चिकन पकोड़ास। सो गाइज, एज यूजल आपको सबकी सबकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज प्लीज चेकआउट करना मत भूलना, एंड मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। एंड दिव्या का भी मैं यूट्यूब एंड इंस्टा दोनों आईडी डाल दूंगी, प्लीज इसको भी फॉलो कर लेना। ओके गाइज, लेट स्टार्ट। बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो हम लोग कौन से स्टैंडर्ड में मिले? 8th ग्रेड। तो हम लोग 8th स्टैंडर्ड में मिले। ओ माय गॉड, जैसे जमाना हो गया इस चीज को। न्यू एडमिशन हुआ था, मेरे पापा ट्रांसफर हुए थे, तो मैं 8th स्टैंडर्ड में मेरा एडमिशन हुआ था। और हमारी कहानी की शुरुआत भी शायद नोडल से ही हुई थी। सच में हम दोनों को ही चाइनीज बहुत ज्यादा पसंद था। बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड। तो हम लोग बात नहीं करते थे एक दूसरे से। जब मैं आई थी मैं बहुत ही ज्यादा चुपचाप रहती थी, क्योंकि मैं अपने पिछले फ्रेंड्स को छोड़ के आई थी, तो मुझे बहुत सैड फील होता था हमेशा। मैं मायूस सी रहती थी। फिर आई थिंक टीचर्स डे था। तू बताएगी क्या हुआ था? तो बता। तो टीचर्स डे था और हमारे सीनियर्स ने एक गेम प्लान किया था। तो उनका ये गेम था कि आपको अपने क्लासमेट के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है चिट पे, बट आप अपना नाम नहीं बता सकते। सीक्रेट मैसेज आपको देना है अपने किसी भी क्लासमेट के लिए। सबने कुछ कुछ लिखा चिट पे, तो एक चिट मेरे लिए भी आया था। उसमें ये लिखा था कि दिव्या, आप बहुत प्यारी लड़की हो, एंड प्लीज कभी मत बदलना। और मेरे सारे क्लासमेट्स हु करने लग गए। उन्हें लगा कि किसी लड़के ने मेरे लिखा है। पर ऐसा नहीं था। और इसका खुलासा काफी टाइम बाद मैंने हुआ किया कि वो चिट किसने लिखा जब था। मैंने वो चिट लिखा था, तब
हम दोनों इतना मतलब फ्रेंड्स भी नहीं थे आई थिंक, मतलब बट मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, पता नहीं क्यों, हम लोगों को शायद साथ होना ही था। एंड लेट मी टेल यू, मैं बहुत ज्यादा खड़ूस थी मैं बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थी, मैं अपने ग्रुप के साथ रहती थी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मैं पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, मुझे इसके साथ दूर रह के भी कनेक्शन फील होता था। एंड टीचर ने हमें एक बार साथ में बिठाया भी था, तब भी थोड़ी हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत, बट कैसे असली फ्रेंडशिप हुई वो नाइन्थ स्टैंडर्ड में हुई। नाइन्थ स्टैंडर्ड में आके हमारी रियल फ्रेंडशिप हुई। तो आई थिंक मैं अपने सिंगिंग क्लास से वापस आ रही थी अपने पापा के साथ, एंड ये मेरे बिल्डिंग में ही थी, तो हम मुंबई में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारा बिल्डिंग था काफी, हाँ, टेरेस पे थी, और बाय द वे हम लोग आमने सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे, हाँ, लाइक मेरे सामने वाली खिड़की पे रहती थी लिटरली चांद का टुकड़ा रहती थी तो हमें कुछ कम नहीं है, ये भी चांद का टुकड़ा ही है। सो हम एक्चुअली मैंने इसे देखा ही, मेरे टेरेस पे थी और मैं आ रही थी अपने घर, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ और मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे जाके माधुरी से मिलना चाहिए। एंड आई टेल यू, उससे पहले वो ना वो चीट वाले किस्से के बारे में कुछ पता था कि इसने मेरे लिए चिट लिखा है, एंड हमारे बीच कोई बातचीत भी नहीं होती थी उतनी, बस मैं चली गई लिटरली, एक इंस्टिंक्ट आई मुझे कि मुझे जाना चाहिए और मिलना चाहिए उससे, एंड मैं टेरेस चली गई। एंड ये एकदम शॉक्ड हो गई मुझे देख के, इसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, राइट? हाँ हाँ, उसके बाद क्या हुआ आप बताओ प्लीज। उसके बाद ये आई एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था और बहुत मतलब शॉक भी लग रहा था कि ये कैसे अचानक मुझसे मिलने आ गई। तो इसने मेरा हालचाल पूछा उस टाइम में तो वो सैड ही रहती थी, हाँ, she used to feel very lonely, yes, बहुत lonely, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे और उस टाइम हम लोग को अपने बॉडी को लेके भी थोड़ा इनसिक्योरिटी थी बहुत ज्यादा, तो उस चीज में भी हम कनेक्ट कर पाए। फिर हम लोगों ने बातें की और एक और किस्सा मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, मेरे स्कूल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे नाम के लिए क्योंकि आपको पता है जब इंसान अच्छा पढ़ता है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स सो कॉल्ड फ्रेंड्स बनते हैं, बट जब ये आई मुझे ये टॉपर तो जब ये आई मुझे पता चला कि फ्रेंड्स नाम के फ्रेंड्स में और असली फ्रेंड में क्या फर्क होता है, राइट? वो जो फ्रेंड्स थे वो हमारे पीठ पीछे बहुत तारीफ करते थे हमारी। तो फिर हम लोगों ने बातें की और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम साथ में मैथ्स करेंगे। मैं क्योंकि आई वॉज एवरेज स्टूडेंट और ये तो ऑब्वियसली टॉपर थी, तो मैंने इसे रिक्वेस्ट की कि चल तू मुझे थोड़ा मैथ्स में हेल्प कर देना। टेंथ की बात है ना, वही नाइन्थ टेंथ के बीच में। तो हम दोनों पूरा दिन साथ में स्पेंड करते थे, oh my God, और मैथ्स भी करते थे और इतनी बातें करते थे बहुत ज्यादा बातें करते थे, मतलब हमने अपना दिल खोल के एक दूसरे के सामने रख दिया था एकदम, मतलब इतनी बातें मैंने लाइफ में किसी से नहीं की थी, इसने नहीं की थी, और उस टाइम हम लोग छोटे भी थे, वो जो बॉन्ड बना, मुझे मेरी कोई बहन नहीं है, आई डोंट हैव अ सिस्टर, जब ये मुझे मिली जैसा लगा कि मेरी भूली बिछड़ी कुंभ के मेले में खोई हुई बहन मुझे मिल गई लिटरली। शर्मा अलग ही खूबसूरत दिख रहा है। ये हमारा सेकंड फेवरेट है आफ्टर नूडल्स।
इट्स लुकिंग अमेजिंग. इन 10 सालों में हम दोनों एक दूसरे से अलग कभी हुए नहीं. हुए थे लाइक डिस्टेंस वाइज. हाँ, 10th के बाद मैं 2 साल के लिए इससे थोड़ा दूर हुई थी फिजिकली, बट मेंटली और दिल से तो कभी नहीं हुई. उसके बाद एक और फिल्मी किस्सा हुआ. आफ्टर 2 ईयर्स तो आई थिंक 12th खत्म हो गया हमारा, दैट इज HSC खत्म हो गया हमारा. तो हमारी किस्मत हमें कभी अलग अलग नहीं होने दी. तो ऐसा कुछ हुआ कि माधुरी के जो डैड है मतलब अंकल, उनका ऐसे काम के ही सिलसिले में ऐसा प्लान बन रहा था कि या तो वो कोल्हापुर शिफ्ट होंगे या तो वो मेरे एरिया में आएंगे. तो इसने मुझे बोला यार पता नहीं शायद कोल्हापुर के ही चांसेस ज्यादा लग रहे थे. मैंने उसे बोला देख तू लिख के ले ले, तुझे यहाँ ही आना है, मैं एरिया का नाम नहीं ले रही हूँ, इधर ही आना है तुझे. एंड उसके बाद कॉलेज शुरू हुआ फर्स्ट ईयर. उसके बाद लिटरली मैं उसके पास आ गई, फिर हम कभी अलग ही नहीं हुए. तो गाइस अभी हम लोग खाने पे कॉन्सेंट करते वरना बहुत लेट हो जाएगा. खोल के दो तेरा
ओके गाइस, तो वी आर डन। दिव्या बिल्कुल फुल हो चुकी है, ऑब्वियसली शी इज नॉट अ मकबैंगर एंड मैं खा सकती हूँ, बट अभी वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की। तो गाइज, ऐसी हुई थी हमारी फ्रेंडशिप एंड लाइफ टाइम तक रहने वाली है, हम लोग कभी अलग नहीं होने वाले, चाहे हमारी शादी हो, बच्चे हो। प्लीज डीएम्स करना बंद कर दो, कम आउट, बी ओपन, बी ब्रेव। आई एम ब्रेव, वी आर ब्रेव, बट वी आर नॉट गे, वी आर नॉट लेस्बियंस, वी आर बेस्ट फ्रेंड सिस्टर्स फॉर लाइफ, फॉर नेक्स्ट लाइफ, फॉर एवर। 7 जन्म, 18 जन्म, 20 जन्म, yes. 6 जन्म वालों, ये सब हम डिनर में खा लेंगे। अभी हम लोग टोटली फुल हो गए, ये ज्यादा फुल हो गई है। ओके गाइस, अगर आपको दिव्या को फिर से देखना है, प्लीज प्लीज दिव्या लिख के एक हार्ट इमोजी डाल देना, प्लीज दिव्या फिर से आ जाएगी। आप लोग के कमेंट से उसको फिर से ला सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, बाय 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 गाइस।